थैंक यू वेरी मच सर। और जैसे सर ने बताया आज स्पेशली क्या होने वाला है, स्पेशली जो बोला जाता है ना, इंतजार का घड़ी जो है खत्म हो चुका है। क्योंकि तो जितना इंतजार करना था, जितना काम करना था, जो भी हमें टारगेट दिया जाता है, जो हमें टारगेट दिया गया था, वो बहुत सारे लोग जो है उसके ऊपर जो है क्वालिफाई किए हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कितने लोग अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंट है कि मुझे जो सीएमडी सर का जो ऑफर दिया गया था कि जो ICC 2 और प्लस जो है कंसल्टेंसी 5, कितने लोगों ने कंप्लीट किया, एक बार हैंडराइज करें। या बहुत सारे ऐसे हैं, और उसके साथ साथ फिर 10 तारीख को भी जो है 10 तारीख जो हमारा 10 नवंबर होगा, 10 नवंबर को भी ये दिया जाएगा लकी ड्रॉ के ऊपर। मतलब ये अभी पेंडिंग है 9 दिन के लिए। तो इसके ऊपर अभी तक में भी बहुत सारे लोग क्वालिफाई किए हैं। मतलब जो भी यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं कुछ भी चीजों के ऊपर, मान लीजिए वो 10 किए हैं, मतलब फर्स्ट जो है 5,000 का कैशबैक था, दूसरा जो था वो 10,000 का था, तीसरा जो था वो 15,000 का केस था, और चौथा जो था फैंटेसी एफ पार्टनर था, और पांचवा जो था फैंटेसी एफ पार्टनर प्लस थाईलैंड टूर। तो ये सारे जो 5 ऑफर दिए गए थे कंपनी के सीएमडी सर के तरफ से, तो कितने लोगों ने जो है उनको क्वालिफाई किया है, एक बार अपने से हैंडराइज करें ताकि पता चले। चलिए क्या बात है, बढ़िया। कोई नहीं, अपने अपने काम के ऊपर होता है। लोग जो है बोला जाता है ना, जब तक हम अपने आप में टारगेट नहीं लेते हैं, बस काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम तो होते रहेगा, काम नहीं भी करेंगे तो भी होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन और जो टारगेट के साथ काम करते हैं ना, वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और बहुत अच्छी बात है। अब मैं चाहूंगा जो है कुछ लोगों से रिव्यू ले, क्योंकि इसके बाद जो है हमें सीएमडी सर को भी सुनना है। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए, आप सबको बता दूं, जो हमारा लीडर बोर्ड का जो है गिफ्ट दिया गया था, लीडर बोर्ड गिफ्ट, ठीक है, उसमें कुछ लोगों का नाम था। मैं चाहूंगा आप जो आप सब जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जो लोग क्वालिफाई किए हैं, जिन लोगों का नाम लीडर बोर्ड में नाम था, वो लोग एक बार हैंडराइज करें, जिनको लग रहा है कि हाँ मुझे मिलना चाहिए। बाकी कुछ कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। जो हमारा फर्स्ट था iPhone 14, और सेकंड था जो है 55 इंच का जो है LCD TV और LED TV था, और उसके बाद जो है 3 में था जैसे फ्रिज था, 4 में वॉशिंग मशीन था, 5 में वीवो का 5G था। इस तरह का ट्रिमर से लेके फैन से लेके सीलिंग फैन, बोट स्मार्ट वॉच, हेडफोन से लेके बहुत सारे ऐसे प्राइजेस थे उसके ऊपर भी जो है लीडर बोर्ड के ऊपर। आप सोचिए 3 सितंबर से ये चालू हुआ था, 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक। तो ये 2 महीना का जो सिलसिला हमारा चला, जो सबसे ज्यादा फंड आईडी पे लिए उसी को जो है ये मिलना है, और ये आज ही जो है सीएमडी सर के माध्यम से जो है आप सबको जानने को मिलेगा कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। इसमें भी 10 प्राइजेस रखे हुए हैं। जैसे बोला जाता ना कि यहाँ पे 15% एडमिन चार्ज की अगर मैं बात करूँ, जो सर्विस चार्ज है, आप सोचिए बहुत तरीके का जो है आप सभी को गिफ्ट के ऊपर। क्योंकि तो बोला जाता कंपनी के तरफ से कोई भी अचीवमेंट होता है, कोई पेन भी मिलता है ना 5 रुपए का, तो भी अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि सभी को अच्छा लगना चाहिए। अगर किसी के माध्यम से आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे कोई अचीवमेंट मिले, वो पहले पेन ही क्यों ना हो, लेकिन वो जब मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है। बाकी सबको लगना चाहिए, अपने अपने ऊपर है। बोलेंगे तो 5 रुपये पेन क्या करूं, मैं तो ये ले सकता हूँ, लेना ले सकते हैं, लेना तो सबको ही सब कुछ ले सकता है, लेकिन आपको गिफ्ट के ऊपर, अचीवमेंट के ऊपर मिलना, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अभी तक बस इतना ही है, 10 में से सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर ने एनराइज किया है, जो भरोसा है मिलना है, बाकी बाकी शायद जो है अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अब बाकी जो है कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन दूर करेंगे सीएमडी सर। चलिए मैं एक बार चाहूंगा रिटर्निंग क्लियर करना चाहूंगा, जो लोग जो अभी सीएमडी सर का जो ऑफर क्वालिफाई किए थे, जो हैंडराइज किए थे, वो लोग जो है हैंडराइज कर सकते हैं। जस्ट फोन आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, घर का कॉल था। चलिए अभी मैं चाहूंगा जो लोग सीएमडी सर का जो ऑफर है वो क्वालिफाई किए थे, अभी जो मेंबर हैंडराइज किए थे, तो एक बार हैंडराइज दोबारा करें।
और जैसे यहाँ पे गोपाल सरकार सर का जो है फैंटेसी प्रोजेक्ट पार्टनर में जो है अचीवमेंट हुआ। अब उसके बाद भूपेंद्र सर का जो है आप सबको पता प्रोजेक्ट पार्टनर प्लस थाईलैंड टूर के ऊपर जो है क्वालिफाई हुआ। और जो आप लोगों को शायद इसका पोस्टर भी मिला होगा, प्रमोशन भी मिला होगा। अब मैं चाहूंगा एक बार जो है भूपेंद्र सर, प्लीज वेलकम सर, मैंने आपको अनम्यूट किया, अपना सेल्फ अनम्यूट करें। किस तरह के आपने ये अचीवमेंट किया, थोड़ा सा आप इसके ऊपर एक्सपीरियंस शेयर करें। जी हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। बस सर कुछ काम पे फोकस किया था। मार्केट में जितनी भी नेगेटिविटी चल रही है मैंने अपनी टीम पर हावी नहीं होने दिया। टीम को एक बात बता दिया कि हम अभी ये 2 महीने में कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, ना सिर्फ वर्क पे ध्यान देंगे। और हर एक लीडर को अपना टारगेट दिया था और आने वाले समय में क्या होने वाला है वो थोड़ा अच्छी तरह प्लान में हमने सबको समझाया था। और जो दुनिया में चल रहा है ज्यादातर हम उस पर फोकस किया है कि जो दुनिया में चल रहा है उस हिसाब से आने वाले समय में आपके पास और कोई चारा नहीं है कि इस तरह का 8-10 हजार में आप अपना लाइफ सेट कर सके। और अगर आपने 8-10 हजार डाल दिए आपकी इनकम आएगी तो ऑटोमेटिक आपकी टीम भी बनेगी, क्योंकि आपको आपको दिखेगा, आपका इनकम दिखेगा, लोगों को उसका पता चलेगा, तो ऑटोमेटिक आपकी टीम बनेगी। तो टीम बनाने के लिए आप जितना खर्च कर रहे हैं उससे बहुत ही 10% भी खर्च नहीं है। तो ये सारा सोच समझ के हमने थोड़ा फोकस किया काम पर और एक सेंटर बनाया जहाँ से हम हर रोज मीटिंग कर रहे थे। रात को 2-2 बजे भी मीटिंग करने के लिए गए हैं। हमारे राजेंद्र सर तो पूरे बारिश में भी गए हैं। तो भागा दौड़ी किया पूरा 2 महीना। जो टारगेट लिया था पहले टारगेट था कि भी कभी एक अचीव करेगा, लेकिन हम दोनों ने अचीव कर लिया। मेरी टीम में भी बहुत सारे यानी 300+ BCI 2 है टोटल, देखा जाए तो 300 से भी ज्यादा है। तो सब ये अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए बराबर थी, सब कोई कर सकते थे, लेकिन जो भी छोटी छोटी बातों के लेकर अटक गए, यानी कोई आईपे का छोटा मोटा प्रॉब्लम लेके, मैंने बोला भाई आईपे अभी छोड़ दो, अभी आपके सामने क्या है उसको जहाँ आग लगी है पहले वो बुझाओ। अब वो सोचने समझने के लिए बहुत टाइम है। और कंपनी जिस तरह से कंपनी की नीयत है, कंपनी का मैनेजमेंट है, हर चीज क्लियर है, हर चीज कैलकुलेटेड है। यहाँ डूबने वाले लोग बहुत सारे सवाल कर रहे थे, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे भी लोग आए कि पुरानी कंपनी में मेरे 5 हजार चले गए, 10 हजार चले गए। मैंने बोला साहब 5 हजार जो चले गए आपके, अगर वो नहीं गए होते तो आप क्या करोड़पति बन जाते, वो भूल जाओ। अभी वो सिस्टम क्या था, लोगों को ज्यादातर डर निकाला। मैंने एक ही काम किया, लोगों के दिलों से डर निकाला। और आप जो डाल रहे थे वो इस अमाउंट को मैंने साइकोलॉजिकल बहुत छोटा साबित कर दिया और आने वाला बहुत बड़ा इनकम बता दिया। तो इसका इफेक्ट आया सारा मिलजुल कर सब, और आप सब लोगों का भी बहुत साथ सहकार रहा, क्योंकि डिजिटल मोटिवेशन आप लोगों से बहुत मिल रहा था। सारी चीजें आप जो मालम सर बता रहे थे, जो कैलकुलेशन बता रहे थे आने वाले समय में जितने भी, और हमारे मैनेजमेंट मिलन सर ने भी बहुत सारे मैसेजेस ऑडियो, हमारे पंकज सर ने, अंजय सिंह सर ने, ये सारे लोगों का तो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया भी करता हूँ। और जो भी है सर आज तो खुशी का दिन है, अपनी तारीफ करना अपना वो बहुत गलत है। सब लोगों का, आप लोगों का, मैनेजमेंट का और मेरी डाउनलाइन जितने भी लोगों ने साथ सहकार दिया, सबके साथ सहयोग से ही हम आगे बढ़े हैं। और आने वाले वक्त में भी यही टारगेट लेके काम करेंगे कि अब हम सारे मिलकर, यानी मैं अकेला नहीं, मेरे साथ सुधीर सर है, मेरे साथ मालम सर है, मेरे साथ सिंह सर है, जितने भी सारे लोगों के नाम मुझे आते नहीं, लेकिन पूरी हम एक फैमिली है, सब मिलकर अभी टारगेट लेंगे कि भैया हमारा जो लाभ पंचमी में मुहूर्त है कोई धमाका करे, ज्वाइनिंग पर हम फोकस करेंगे। अभी मेरा टारगेट है कि भाई दिसंबर 31 तक 50 लोगों को 51 लोगों को कैपिंग में लाना, ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है। और इसके लिए आज ही से आज मीटिंग में क्या हो रहा है, क्या कुछ नए ऑफर्स है, क्या कुछ बदलाव है, जो भी है वो सारा जान के हम कंसेप्ट प्लानिंग करेंगे और दीपावली के बाद इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। और 100% 31 दिसंबर को बड़े दावे से कह रहा हूँ, आगे समय बताएगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 51 लोगों को मैं कैपिंग पे लाऊंगा, ये मेरा टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट। तो सभी लोगों का धन्यवाद, हमारे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो सारे लोगों का, और
खुशी के मौके पर ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा सर, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और सर के अगर बातों को ध्यान में देना अगर देखा जाए, एक ही चीज सर ने देखा कि आज के समय को अगर देखा जाए, जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा जो है फेस वैल्यू खराब हो गया है, उसके साथ साथ जो है अभी लोग समझते नहीं है, सुनते नहीं है, मानते नहीं है, बहुत सारे चीजें जो है अपने मन में दिमाग में आता है, और सर ने उसको साबित किया कि हम एकजुट होके अपने टीम को, क्योंकि हमारा जो बोला जाता है बार बार, जो जेरोक्स होता है और जो मास्टर कॉपी होता है, आप जैसा रहोगे, आपका सोच जैसा रहेगा, वैसे आपका टीम भी बनेगा और आपका काम भी होगा। और आप सोचिए, सर ने जो टारगेट लिया था, वो टारगेट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे लास्ट और जब से सबसे टॉप का जो अगर देखा जाए, सीएमडी सर का जो ऑफर था कि 100 जो है ICC 2 में जो है एंटर कराना, और सर ने जो है करीबन 300 से प्लस जो है लोगों को एंटर करा। आप सोचिए, जो टारगेट दिया है उससे 2 गुना, और जो है अगर उसके साथ जैसे कंसल्टेंसी ऑफर है वो तो सिर्फ और सिर्फ 30 का था, बाकी सर ने कितना किया वो तो बात की बात है, लेकिन आप सोचिए उन्होंने टारगेट लिए किया। अब नेक्स्ट टारगेट उन्होंने खुल के बताया, जब तक हम खुल के नहीं बताते हैं ना, बेइज्जती जो बोला जाता है ना अपना, जो लोग इज्जत बजाते हैं, जब मैं कर लूंगा ना तब मैं बताऊंगा, लोग बोलते हैं जब मैं कर लूंगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन जब आप बोलोगे नहीं ना तब तक होने वाला है नहीं। आप सोचोगे मैं कर लूंगा और बताऊंगा, अगर जैसे सर ने भी बताया 31 दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर जो है लास्ट, मतलब आप सोचिए ये 2024 का पहला दिन के अंदर तक 51 मेंबर कैपिंग पे रहेंगे। सोचिए, अपना टारगेट तो है ही है, लेकिन 51 मेंबर को कैपिंग पे ले जाना, अगर सोचिए इसमें से 50% भी हुए, 25 मेंबर, 26 मेंबर भी हुए, तो छोटा मोटा बात है। कि मैं तो बताऊं, इसका अगर मान लीजिए 10% भी होता है ना तो भी बहुत है, क्योंकि टारगेट लेके काम करने से होता क्या है, आप बोल दिए हैं मतलब उनका टारगेट उनको पूरा करना। आप जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बस देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, जब करेंगे तभी होगा। इसके लिए जो है अपने टारगेट को अपने टीम के साथ शेयर करें, और टीम को भी टारगेट दें, और टारगेट के साथ अगर काम करेंगे ना, जो बोला जाता है ना, आप सोचिए हमारा प्लान इतना खूबसूरत है, आप एक टारगेट लीजिए कि 1 महीने के अंदर मुझे जो है 1 महीने के अंदर 5 करना है। अब उतना भी नहीं करेंगे और हमें सब कुछ चाहिए तो पॉसिबल तो है नहीं ना कहीं भी। 1 महीने के अंदर अगर टारगेट लेते हैं सिर्फ 5 मेंबर का, वही 5 को 1 महीने के अंदर 5-5 करवाते हैं, सिंपल 6 महीने के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर आपका इनकम जो है 2 लाख प्लस का इनकम होता है, उससे भी ज्यादा हो जाएगा 5 के स्ट्रक्चर पे। आप सोचिए कौन सा काम है 5-6 महीने में आप पहुंच सकते हैं, यहाँ पे लोग पहुंच रहा ना सिंपल। तो अभी मैं चाहूंगा, 2:20 का टाइम था, 22 हो चुका है, तो मैं चाहूंगा जो है जो भी पार्टिसिपेंट है, जितने भी पार्टिसिपेंट है, सबसे पहले तो मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे डायरेक्टर मिलान कुमार सर को, और साथ में इन्वाइट करेंगे हमारे ग्रेट सीएमडी सर को, जो भी को-होस्ट है आप लोग, सबसे पहले मैं चाहूंगा प्लीज वेलकम मिलन सर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल द लीडर्स, ऑल द एसोसिएट्स, जो भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ आज इस मीटिंग्स में मौजूद हैं। वाकई में एक बेहतरीन मीटिंग्स होगी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द लीडर्स, एसोसिएट्स, मेंबर्स, क्योंकि यू हैव डन अ फैंटास्टिक फैबुलस जॉब। बहुत बेहतरीन आपने जो भी ऑफर्स था उसमें परफॉर्मेंस किया, और आज हम लोग हमारे बीच जो ऑफर्स है उन ऑफर्स में जो अचीवर्स है उनसे भी मिलेंगे। और लीडर बोर्ड में एक्चुअली किन्होंने बाजी मारी iPhone 14 जो ऑफर्स थी उनको, और भी बाकी सारे जो भी ऑफर्स हैं, जैसा आप सबको पता है बहुत सारा ऑफर्स रनिंग था कंपनी के अंदर, जिसमें जिसमें था आपका एक लीडर बोर्ड ऑफर। इसमें इस ऑफर को, ये ऑफर एक्चुअली क्लोज हो चुकी है। आज जो भी विनर्स है, टॉप 10 रैंक अचीवर्स है, उनकी नाम अनाउंस कर किया जाएगा सीएमडी सर के माध्यम से। और एक ऑफर था थाईलैंड टूर को लेके, जहाँ पे आपको टीम बनाना था, जहाँ पे आपको टीम बनानी थी, जैसे लेवल 1 पे 5 डायरेक्ट, लेवल 2 में 10 डायरेक्ट, लेवल 2 में 20 का टीम, लेवल 3 में 60 का टीम, इस तरह से आपको लेवल 5 तक आपको टीम बनाना था। तो
ये ऑफर में जो अचीवमेंट किया है, आप लोग अपना आईडी नंबर कंपनी के कस्टमर केयर में भेज देंगे और वहां से वेरीफाई करके आपको, अगर आप अचीव किए हैं तो आपका बैनर बना के कंपनी प्रमोट करेगी, और आप क्वालिफाई है थाईलैंड के लिए तो फिर अपना पासपोर्ट बना लीजिए, क्योंकि अब अपने को निकलना है थाईलैंड। पासपोर्ट सब लोग बना लेंगे, एंड एयरपोर्ट जो कंसिस्टेंसी ऑफर थी, आप सबको पता है कि उसमें हर मंथ हम लोग एक्स्ट्रा 9 डेज का टाइम देते हैं, सो 9 डेज का टाइम आज भी है, यानी अक्टूबर का कंसिस्टेंसी आपको अगले, अभी जो नवंबर चल रहा है, नवंबर 9 तक आपके पास टाइम है कंसिस्टेंसी को परचेस करने का। एंड देयरफॉर 10 तारीख को हम लोग एज यूजुअल हम लोग 10 तारीख को करेंगे फिर से लकी ड्रॉ, जो मंथली लकी ड्रॉ होती है। और जो थाईलैंड टूर में जो सीएमडी सर, जो थाईलैंड टूर का जो ऑफर्स होगा, लकी ड्रॉ होगा, उनको सीएमडी सर के माध्यम से बुक किया जाएगा। अभी क्या है, और नेक्स्ट जो हमारा है सीएमडी सर ऑफर, जैसा कि मैंने बताया कंसिस्टेंसी ऑफर 9 नवंबर तक है, 9 नवंबर तक कंसिस्टेंसी ऑफर हमारा लाइव है। सो दैट आप किन्हीं को भी ICC 1 या 2 में अपग्रेड करा सकते हो, लेकिन आज 4 बजे से जीएसटी उसमें अप्लाई हो जाएगी। जीएसटी अप्लाई करने के साथ 18% जीएसटी अप्लाई होने के बाद किसी को भी आप 4 बजे तक अगर आप चाहे, अगर आपके पास फंड है, आप चाहते हो किसी का कराना विदाउट जीएसटी कर सकते हो, लेकिन 4 बजे के बाद जैसे सिस्टम पे काम हो जाएगी तो फिर विद जीएसटी 18% ICC 1 एंड 2 में किसी को भी आप अपग्रेड करवा सकते हैं। और कंसिस्टेंसी 9 नवंबर तक है, सेम सीएमडी सर का जो ऑफर से जिसमें कंसिस्टेंसी एंड अपग्रेड भी शामिल होती है, इसीलिए हम लोग 9 तारीख तक इस ऑफर को अपग्रेड कर रहे हैं। 9 तारीख के बाद ये ऑफर भी जो सीएमडी सर का ऑफर से वो भी समाप्त हो जाएगी पूरी तरह से, और जो भी उनमें अचीवर्स होंगे उनको हम 10 तारीख को अनाउंस कर देंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी का लकी 10 तारीख को, एंड 10 तारीख को सीएमडी सर का ऑफर्स का भी फाइनल विनर्स अनाउंसमेंट हो जाएगी। और जो भी इसमें अचीवर्स है, इसमें अचीव करना आपको, इसमें कोई विनर नहीं होगा, लकी ड्रॉ नहीं होगी, आपके ऊपर है। इसमें कैश प्राइज है, फैंटेसी ऐप में पार्टनरशिप है, एंड एयरपोर्ट जो थाईलैंड टूर है, ये सारी ऑफर्स के अंदर इंक्लूड है। मैं एक चीज और क्लियर करूं, जिन साथियों ने कंसिस्टेंसी परचेज की, वो बहुत सारे एसोसिएट्स है जो 1 मंथ का परचेज किया है, कुछ एसोसिएट्स है जिन्होंने 2 मंथ का परचेज किया है, लेकिन 5वें मंथ का परचेज नहीं किया है अभी तक, 9 तारीख तक टाइम आपके पास है, 9 नवंबर तक आपके पास टाइम है, आप परचेज कर लें। अगर 9 नवंबर तक परचेज नहीं करेंगे उसके बाद फिर कंसिस्टेंसी परचेज बंद हो जाएगी। आपने 2 मंथ का किया है परचेसिंग, 3 मंथ का नहीं किया, तो आपका जो 2,000 जो परचेसिंग आपने किया उसके बदले कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, और ना ही वो पैसा आपको रिफंड आएगी। इसीलिए सभी एसोसिएट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना कंसिस्टेंसी 5 मंथ का परचेज कर लीजिए फुल्ली, 9 नवंबर तक आपके पास टाइम है, और 5वें मंथ का कर लेंगे तो 15,000 का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। एंड देयरफॉर जो आइलैंड का जो लकी ड्रॉ होगा वहां पे आपकी नाम आने का चांस होगा, उस लकी ड्रॉ में आप सम्मिलित हो जाएंगे। हाँ, मीटिंग एडमिन लॉक को हटा दिया जाए। और कंसिस्टेंसी जो परचेस है, इसमें न्यू पर्सन भी परचेस कर सकता है कंसिस्टेंसी, जहां आपको क्या मिलता है आपको पता ही है। अब हम लोग बात करेंगे इस प्लान के ऊपर, और इसके बाद हम लोग सीएमडी सर को सुनेंगे, जो लीडर बोर्ड का जो अनाउंसमेंट है
उनको हम लोग जानेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे, एंड देयर फॉर फाइनली हम लोग एक टॉपिक पे एट द एंड बात करेंगे कि ज्वाइनिंग को फर्स्ट कैसे किया जाए। माइंड में कोई सुझाव होगा तो आप सुझाव को जरूर रखेंगे। तो जैसे मालन सर बोलते हैं ना कि हम लोग करेंगे आज प्लान का पोस्टमार्टम, तो आज सेम वे मैं भी इस प्लान का पोस्टमार्टम करने वाला हूं, क्योंकि आप सबका माइंड पूरा क्लियर होना चाहिए इस प्लान की पोटेंशियल, इस प्लान की पावर, और इस प्लान में बड़ा पैसा कमाने के लिए किस तरह से आपको वर्क करना होगा। आई थिंक मेरी वॉयस वगैरह सब क्लियर है। यस सर, पूरा एकदम फेस वॉइस सब क्लियर, एकदम क्लियर ही क्लियर। क्या बात, यस सर, थैंक यू सर। अगर बात करें हम लोग ज्वाइनिंग्स के ऊपर, ज्वाइनिंग्स के ऊपर हमारा आपका सबका फोकस किस में होना चाहिए? वर्किंग पे, ज्वाइनिंग के ऊपर, क्योंकि ये जो प्लान है हमारा वर्किंग बेस्ड प्लान है। और टारगेट की अगर बात करें तो हमारा आपका सबका टारगेट क्या है? डेली का अर्निंग 25,000, कितना है सर? 25,000 आप सब कमाना चाहते हैं ना, आप सब अर्न करना चाहते हैं 25,000। आप लोग चैट बॉक्स ओपन है, आपका अपना हाथ को चलाइए, मेरे साथ अपने हाथ को चलाइए, ताकि मुझे भी रिस्पॉन्ड से अच्छा लगेगा आपसे बात करने में। यस, यानी आप सबका टारगेट है 25,500, राइट? क्या ऑप्शन है आपके पास? 25,500 डेली, यानी मंथली की अगर बात करें तो 7,50,000, यानी 7.5 लाख पर महीना का इनकम। क्या ऑप्शन है आपके पास कि आप 7.5 लाख रुपया कमा सकते हैं? बाहर की दुनिया में क्या ऑप्शन है आपके पास कि 7.5 लाख रुपया आप कमा सकते हैं पर मंथ? आई थिंक नहीं है, मोस्ट ऑफ द पर्सन के पास ये ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन मार्केट में कुछ कंपनी आपको मिल जाएगी जहां पे आपको इस टाइप का ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि आज के टाइम पे क्या ना, रॉयल्टी के नाम पे हो, फिक्स्ड इनकम के नाम पे हो, आरओआई टाइप का प्लान हो, चाहे नॉन वर्किंग टाइप का प्लान हो, कि एक बार आप अपना आईडी लगा लो, इतना पैसा डाल लो, लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग पैसा लेते रहो सोते सोते। हमको तो सुला देता है, वो कंपनी निकल जाती है। आज तक का रिकॉर्ड यही हुआ है सर कि इंडिया के लोग इतना परेशान है ना, दो लोगों से इतना ज्यादा परेशान है, एक तो कंपनियों से, दूसरा बाबाओं से, क्योंकि यही दो शख्स हैं सबसे ज्यादा फ्रॉड किया है लोगों के साथ। लेकिन जब तक हमारे मन में रहेगा नॉन वर्किंग पैसा कमाना, ये सब मिथ है, नेटवर्क मार्केटिंग में मिथ है, नेटवर्क मार्केटिंग में ये मिथ है कि बैठे बैठे पैसा मिलता है। लेकिन हम लोग अपने आप को डेढ़ होशियार समझते हैं, हम सोचते हैं अरे भाई सब ठीक है, हम भी जानते हैं ये जो कंपनी बिना कोई टारगेट का, बिना कोई काम का हम पैसा डाल रहे हैं, हमको पैसा दे रहा है, ये नहीं दे पाएगा, आप सब जानते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, डेढ़ होशियारी करते हैं, मेरा पैसा निकल जाएगा, बाकी का पता नहीं। और उसके चक्कर में क्या होता है, फर्स्ट टाइम आपका पैसा निकल गया, आपने 2 लाख दिया, आपका 4 लाख आपको आ गया, अब 4 लाख फिर आप डाल देते हैं, आप सोचते हो अभी थोड़ी कंपनी भागेगी, अभी तो और टाइम है। तो फिर 4 लाख डाला, वो 8 लाख लेके कंपनी निकल जाती है, आपको नहीं मिलता, बल्कि आपने जो दिया टाइम दिया, आपने टीम बनाया लोगों का लेके, सब खत्म हो जाती है। अभी तक एक्चुअली ऐसा ही हुआ है। देखो आरओआई टाइप का अगर प्लान की बात करिएगा तो मार्केट के अंदर इतना प्लान आया सर, इतना प्लान आया है, अगर उसका आप हिसाब करिएगा 10 को कंपनी का नाम तो आप लोग बता सकते हैं। वो आया फिक्स्ड इनकम, सैलरी इनकम, आरओआई इनकम, रॉयल्टी इनकम, मतलब नॉन वर्किंग इनकम, ये इनकम, वो इनकम, मतलब हर इनकम के नाम पे उन्होंने आया, लोगों का पैसा लिया और निकल गया। तो ये मिथ को पूरा क्लियर हमें आज जान लेना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर पैसा कमाना है तो हमें काम करना होगा, एक
लीगल कंसेप्ट चाहिए, जेन्युइन कंसेप्ट चाहिए, वर्किंग बेस्ड प्लान होना चाहिए और कैलकुलेट प्लान होना चाहिए, और प्लान भी इतना मस्त हो कि लोग उसको करें। कंपनी की इथिकल सही होना चाहिए, प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड होनी चाहिए, और कंपनी बाकी में सही होगा तभी लॉन्ग टाइम चलेगी। तो कहने का मतलब ये है सर, अभी आप सब चाहते हैं 7.5 लाख रुपया महीना कमाना, यानी अगर 7.5 लाख रुपया पहुंच गए वन टाइम, अगर सोचो आप 1 मंथ में आपकी इनकम 7.5 लाख है, तो 1 साल में आपकी इनकम क्या हो जाएगी सर? 1 साल में आपकी इनकम हो जाएगी ऑलमोस्ट 1 करोड़, हो जाएगी ना 7.5 लाख × 12 मंथ, ऑलमोस्ट 1 करोड़ आपकी इनकम हो जाएगी, यानी आप करोड़पति बन सकते हो सिर्फ 1 साल के अंदर। तो क्या आप सब तैयार हैं करोड़पति बनने के लिए? चैट बॉक्स में मैसेज करना है, मैसेज आ रहा है, यस सर। तो अगर आप चाहते हैं बनना, तो क्या करना है? मतलब सो के रहना है कि बैठे रहना है कि काम करना है? कैसे बनेंगे सर, सो के रहने से, बैठे रहने से कि काम करने से? ऑप्शंस क्या है? टीम वर्क, देखिए कहने का मतलब है ना, आपको सिखाने से मेरा या आप सब लोग ये सब बातें आप सब जानते हैं, लेकिन मैं उसको आज रिपीट कर रहा हूँ ताकि अब हमें फोकस करना होगा कम्युनिटी के ऊपर। आज आप देखो हमारा एक चीज कि DFI का जो इनकम है, सुपर क्लब जो इनकम है, सुपर क्लब इनकम आज के टाइम पे हर दिन 20 रुपीज डेली आ रहा है, 20 रुपीज नॉन वर्किंग भी है सुपर क्लब, लेकिन डेली आ रहा सर। बहुत सारी कंपनी ऐसा भी बोल देती है ना कि हम तो भाई एड एक्सचेंज एड से पैसा कमाते हैं, टास्क टास्क से पैसा आता है फिर हम देते हैं, लेकिन मिथ है। हम तो पैसा जनरेट करते हैं, मिथ है, क्योंकि आप खुद कहीं से जनरेट करिएगा ना तो आप 50 लोगों में नहीं बांटिएगा चीजों को, समझना है हम लोगों को। तो ये सब बातें जो लोग बोलते हैं, हम तो पैसा जनरेट कर लेते हैं भाई, हम तो हमारे पास ऐप है वहाँ बहुत पैसा आता है, एड से हम पैसा कमा लेते हैं, ऑल आर मी सब फॉल्स है। उनका उद्देश्य है आकर के आपसे पैसा लेना, और ये सब बातें आपको आज से अपने टीम में सिखाना होगा, आज से आपको अपने टीम में सिखाना होगा। अगर आपने आज से सिखाया अपने टीम को तो वो टीम एक आपके साथ जुड़ के रहेगा। अब आपके साथ जब जुड़ा हुआ रहेगा तो आपका फर्ज बनता है उनको उस मुकाम पे पहुंचाना। चलिए एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो आपकी गोल्डन एज की है। कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करिएगा, आप सबको पता है 1020 की ज्वाइनिंग से, जहां हम लोग 20 रुपया DFI में डाल देते हैं, 1020 रुपया राइजिंग बोनस में हम लोग दे देते हैं, 10 रुपया डेली अगले 100 दिन तक, फिर जो हम लोग कैशबैक दे रहे हैं आईमार्ट के अंदर, उसको छोड़े आप, मैं इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, फिर हम लोग लेवल के अंदर डेली 70 रुपया बांटते हैं 100 दिन के अंदर, यानी 1700 टोटल अगर कैलकुलेट करिएगा उसको तो 2740 रुपीज, यानी 2740 रुपया होता है 1020 की डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब आप बोलोगे सर एक डायरेक्ट पे हम लोग पैसा नहीं देते हैं ना, राइट, एक डायरेक्ट पे हम लोग पैसा नहीं देते हैं, लेकिन उस बंदे को नहीं मिलता है, लेकिन उनका जो अप्लायंस है, उनके जो 10 लेवल्स है, वहां तो पैसा बढ़ता है ना सर, यानी
एक ज्वाइनिंग भी लगी तो लेवल के अंदर 1700 प्लस DFI में 20, यानी 1720 रुपया बढ़ता है 1000 की सिंगल ज्वाइनिंग से। अब बात करिए आप 3 ID पे, क्योंकि आपकी एक ID है उसमें आप 2 ट्रैक लगाते हैं, आपका पेमेंट रिलीज होता है, तो वहां पे कंपनी कितना देती है, एक ऑलमोस्ट कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए ताकि मार्केट को आप फेस कर सको। क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड क्या है सर, जो भी कंपनी ज्यादा दिया है वो कंपनी निकल चुका है, तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अभी सपोज 3 ID लगी, क्योंकि आपको 2 ट्रैक लगाना होता है, आपकी ID लगने के बाद तभी आपका पेमेंट रिलीज होता है, तो कंपनी क्या करती है सर उस केस में, 1020 रुपया राइजिंग बोनस आपको दे देती है, 60 रुपीज आपको DFI दे देती है, एंड 5,100 रुपीज यानी 5,100 रुपया कंपनी आपको लेवल में बांटती है। क्योंकि एक ID का लेवल में 1700, तो 3 ID का लेवल में 5,100 कंपनी बांटती है, यानी 3 ID का जो इनपुट है वो हमारे पास है 3,060 रुपीज, 3,060 रुपया, एंड जो आउटपुट होता है वो होता है आपका टोटल 6,180 रुपया। यानी आप बोलोगे सर 3,060 रुपया आया और आप 6,180 रुपया बांट रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे करोगे आप, नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं दोस्त, नहीं चलेगा नहीं चलेगा बोल बोल के। इस प्लान ये प्लान हमारा आज 287 डेज हो गया है, 287 दिन हो चुका है इस प्लान की गोल्डन एज की, और आज तक का रिकॉर्ड है एक भी दिन का पेमेंट होल्ड नहीं हुआ है, रुका नहीं है। हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था बैंकिंग को लेके कि 14 और 15 अगस्त का पेमेंट नहीं गया था, उसको भी हमने रिलीज कर दिया है, सबको मिल चुका है जो भी, मतलब आज तक कोई भी पेमेंट, हम लोग ऐसा बोलते हैं कोई भी पेमेंट होल्ड नहीं है किसी का, एक दिन भी रुका नहीं है सर, सेम डे पेमेंट हम लोग कर देते हैं, और आने वाले 100 साल भी इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, किसी का पेमेंट एक दिन भी होल्ड नहीं होगा। यानी 3,000 आ रहा है और 6,000 हम बांट रहे हैं। अब चीजों को मैनेज कैसे हम करते हैं, अब चीजों को मैनेज हम करते हैं जो कंपनी का टर्म एंड कंडीशन है। आप सोचो जो भी कंपनी मार्केट के अंदर है, जो रोटेशन के नाम पे या एड के नाम पे, फंड जेनरेट के नाम पे, बहुत सारी नाम पे, रॉयल्टी हो ROI हो, इस सब के नाम पे, सैलरी के नाम पे कुछ दिन दे देता फिर निकल जाता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ना कि कैलकुलेशन नहीं होगा तो नहीं दे पाएगा। तो आप बोलोगे सर 3,000 यहाँ कंपनी को आया, आपने 6,000 बांट दिया, कैलकुलेशन तो फेल है आपका। लेकिन कैलकुलेशन को मेंटेन करने के लिए हम लोग जो हल्का सा कंडीशन डाले हैं, मैं कह रहा हूँ हल्का सा कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन हल्का सा हमारा है, एकदम नॉर्मल कंडीशन से है, और वो कंडीशन से पूरा सिस्टम मैनेज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मैं अगर बात करूं तो 287 डेज हो चुके, यानी 300 दिन, 3 सर्किल हमारा होने वाली है, और एक भी दिन पेमेंट हमारा होल्ड नहीं हुआ है, और जो हल्का सा टर्म एंड कंडीशन है, यही वो वजह है कि हम लोग इस प्लान को लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग चलाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई चेंज करने की जरूरत है और हमें नहीं पड़ेगा। इससे थोड़ा ज्यादा पेमेंट हम लोग देते थे, उसको थोड़ा सा प्लस माइनस करके पूरी तरह से सही कर दिया गया है, और उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब बात करें जो कंडीशन है, उस कंडीशन के ऊपर तो किसी भी कंपनी, यानी हमारी आपकी आपकी गोल्डन एज कंपनी, मार्केट में और भी कंपनी है, अभी हमारी जो टर्म एंड कंडीशन है उनकी टर्म एंड कंडीशन से थोड़ा सा उस पर हम लोग कंपेयर करें। पहली बात तो हम, हमारे पास 3,000 आ रहा है, हम आपको 6,000 दे रहे हैं, डबल पेमेंट आपको हम दे रहे हैं 100 दिन के अंदर, और बाकी जो कंडीशंस है उसको थोड़ा सा कंपेयर कर ले। मार्केट में कोई कंपनी अगर है, जेनविन कंपनी है, 3,000 उसके पास पेमेंट आता होगा, वो 3,000 में ही पेमेंट लोगों को बांटता होगा, लेकिन पहली बात तो हम 3,000 में 6,000 रुपया बांट रहे हैं। सेकेंडली हमारे पास क्या है सर, कंडीशन जो कि आप देखोगे मार्केट में जितने भी प्लान है आज के टाइम पे, जैसे मिनिमम, उसमें
जो लेना है तो दो डायरेक्ट मैक्सिमम कंपनी के अंदर आपको मिल जाएगा कि दो डायरेक्ट आपको करना है, फिर पेमेंट आपका रिलीज होगा मैक्सिमम। तो हमारा वही कंडीशन है कि दो करना है। नेक्स्ट, किसी भी कंपनी में अगर बड़ा इनकम करना है तो मिनिमम 10 गो डायरेक्ट तो लगाना ही होगा, 10 गो लाइन आपको खोलनी ही होगी, मिनिमम 10 गो लाइन। हमारे पास वही टारगेट है कि 10 गो डायरेक्ट लगाना है 10 लेवल के लिए। जीएसटी, हर कंपनी में जीएसटी पे करना पड़ता है, हर कंपनी में पड़ता है एडमिन चार्ज, मैक्सिमम कंपनी में एडमिन चार्ज। तो आप चीजों को समझो। रिपर्चेस वॉलेट, रिपर्चेस में भी बहुत सारी कंपनी रिपर्चेस के लिए डिडक्ट करती है, हम भी कर रहे हैं, वहां से आपको इनकम मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। एंड नेक्स्ट डीएफआई, हम लोग एक एक्स्ट्रा काट रहे हैं डीएफआई, वहां से भी एक नॉन वर्किंग इनकम तो मिल रहा है लोगों को ना। कहने का मतलब क्या है, आप बोलोगे सर डिडक्शन, तो अदर कंपनी में जो डिडक्शन होती है सेम डिडक्शन हम आपकी कंपनी में है, सिर्फ एक पॉइंट हमारी एक्स्ट्रा है, दैट इज रेट ऑफ ऑफ। जहां आपको रेट ऑफ ऑफ करना होता है इस सिस्टम पे कि आपको हर 100 दिन में आपको रेट ऑफ ऑफ करना है अपने आईडी को, या फिर आपका जो 2x या 5x का कैपिंग है उस कैपिंग के दरमियान आपके आईडी को रेट ऑफ ऑफ करना है। इसके अलावा मार्केट में जितनी भी कंपनी आज के टाइम पे, मैक्सिमम कंपनी का टर्म एंड कंडीशन सेम टू सेम है। और एक बात, टर्म एंड कंडीशन सेम सेम होने के बावजूद भी हम 3,000 का 6,000 दे रहे हैं, मार्केट में 3,000 में ही 3,000 बढ़ रहा है, यानी सबसे ज्यादा आज के टाइम पे अगर मार्केट की बात करें, जितनी भी कंपनियां सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किसकी है, आपकी गोल्डन एज की। और भी पूरी तरह से लीगल कैलकुलेशन वाइज, ऐसा नहीं है कि 3,000 आ रहा है वाकई में 6,000 बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई मशीन नहीं है जहां पे हम आलू डालेंगे सोना निकलेगा। ये प्योरली कैलकुलेशन वाइज है जहां आपको काम करना है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गई, मार्केट में भी सेम प्लान है, सेम कंडीशन से, हमारे पास भी सेम कंडीशन से, हम मार्केट से ज्यादा पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे इनकम अगर करना है तो आपको काम कैसे करना होगा, चलिए इस पे बात करते हैं। आप सबको पता है पीडीएफ के अंदर एग्जाम्पल्स है, जो हमारे जूम मीटिंग के अंदर जो भी हमारे प्रेजेंटर है वो डेली बोलते हैं, हर बार बोलते हैं कि भाई 5 गो ड्रैक लगाओ। एक सप्ताह में अगर आपने 5 गो ड्रैक लगाया, अगले सप्ताह 5 लोगों से 5 कराया, 25, फिर 125, 625, तो 6 वीक में 6 सप्ताह के अंदर आपकी इनकम डेली का 25,500 हो सकता है। लेकिन 5 डायरेक्ट लगाने का मतलब को थोड़ा समझते हैं आज। 5 डायरेक्ट का मतलब नहीं है कि 5 को आईडी लगाना, 5 डायरेक्ट का मतलब नहीं है कि अपने घर के अपने परिवार के 5 आईडी लगाना, 5 डायरेक्ट का मतलब नहीं है किसी का भी 5 को आईडी लगाना, 5 डायरेक्ट का मतलब नहीं है कि मामा का, ताऊ का, फूफा का, जो भी मिल जाए उसका आईडी लगाना, नहीं। 5 डायरेक्ट का मतलब है आपकी तरह जो पागल हो, जो काम करने के लिए तैयार है, जो आपकी तरह डेली इनकम करना चाहता है, अपने आप को साबित करना चाहता है, वैसे पागल जुनूनी जिद्दी लोगों को लगाना होगा आपको डायरेक्ट में। बात समझ रहे हैं? और वो 5 घोड़ा, जो 5 हॉर्स है, हॉर्स, उन 5 घोड़ों के लिए आपको काम करना होगा। अगर आपके पास मान के चलो 100 गधा है, कहा जाता है 100 गधा पालने से अच्छा है 10 को घोड़ा पालिए। अगर लीडर आपको कैसा चाहिए, जो आपकी तरह मेहनती लीडर हो, पैसा कमाने की जिसको भूख हो, जिसको पैसे कमाने की भूख हो, वैसे लीडर आपको खोजना होगा। और ये कब आपको मिलेगा, आप 5 को ट्रैक लगाएंगे, 5ों वर्क करेगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपने जब 5 लोगों को प्लान दिया था, 5ों लोग ज्वाइन नहीं किया था। तो 5 लगाने से नहीं होगा सर, आपने 5 को ट्रैक लगाया, उनमें से हो सकता है एक ट्रैक बढ़िया काम करे, तो आपका टारगेट 5 डायरेक्ट आपका हो गया, मेरा काम हो गया, आपका काम नहीं हो रहा, बैठे रहने से नहीं होगा। अब आपका टारगेट लेना होगा कि मुझे और 5 डायरेक्ट लगाना है, मुझे
तब तक डायरेक्ट लगाते रहना है जब तक मिनिमम 5 लोग अपना काम ना करें, क्योंकि 5 का जो रेशियो है ये 100% प्रूव है, लेकिन ये प्रूव किस एंगल से, थोड़ा उसको आज हम लोग को देखना है। 5 का जो रेशियो है वो प्रूव है, क्योंकि आपने 5 किया वो भी 5 कर लेंगे, 25 हो जाएगा। और 5 करना किसी के लिए भी हार्ड नहीं है, क्योंकि 1020 के अंदर हम लोग 2040 का आईमार्ट में वाउचर, आई पे का सर्विस जहाँ पे आपको बहुत सारा कमीशन आपको मिलती है, मिनिमम एज ए यूजर्स भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो एज ए यूजर्स अगर आप जोड़ देंगे लोगों को तो 5 जो डायरेक्ट तो आपको हो गया, लेकिन इनकम नहीं कर पाइएगा आप। तो अगर इनकम करना है तो 5 वर्किंग पर्सन चाहिए जो आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार है, हमेशा रेडी है। और अगर आपने 5 किया और अब आप उनके साथ मेहनत करिए, अपना भी डायरेक्ट लगाइए, उनके साथ मेहनत करिए, फिर देखेंगे 25 हो जाएगी। फिर 25 लोग अगर हो गया, फिर उनको ये फॉर्मूला बताना कि भाई आपके आपके 5 लोग काम नहीं करेंगे, आपको भी क्या करना है, डायरेक्ट लगाते रहना है जब तक आपको 5 वर्किंग पर्सन ना मिल जाए। और इस तरह से काम करेंगे। अभी जो भूपेंद्र सर ने कहा ना कि 51 लोगों को उनका टारगेट से कि 51 लोगों को मुझे दिसंबर तक कैपिंग होल्डर पे पहुंचाना है, यकीनन पहुंचा लीजिएगा, नो डाउट। आप सब लोग पहुंचा लीजिएगा अपने अपने टीम में 50 50 लोगों को, लेकिन एक जुनून के साथ, एक पागलपन के साथ मेहनत करना होगा आपको। डायरेक्ट तब तक लगाते रहना जब तक 5 लोग ना मिल जाए आपको, जब तक आप करोड़पति ना बन जाए तब तक आपको टारगेट बना के रखना है, 5 को डायरेक्ट लगाते चलना है। आई थिंक आप सब लोग समझ रहे हैं कि 5 डायरेक्ट किनको लगाना है, जो काम करने के लिए आपके साथ तैयार है। ऐसे लोगों को नहीं लगा देना जो जिनको कोई मतलब ही नहीं है। और किन्हीं को भी प्लान के अंदर लाते हैं ना, तो वर्किंग के अकॉर्डिंग लाइए, वर्किंग की पावर को समझाते हुए लाइए। उनको बताइए कि हमारे लीडर से जो आज इस प्लान से 500 रुपया डेली, 1000 रुपया, 2000, 3000, 5000, 10000, 15 15 हजार रुपया डेली कमाने वाले लीडर से, उनको उनकी उदाहरण दीजिए। उनको ये उदाहरण मत दीजिए कि आज हमारा ICC 2 में 500 रुपया आ गया, क्योंकि कल कम भी हो सकता है, तो बंदा फिर डेड हो जाएगा आपका। आपका टारगेट सिर्फ वर्किंग के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वर्किंग की खूबसूरती क्या है सर, आज अगर 1000 की इनकम हो गया कल भी 1000 रुपया आपको मिलेगा, परसों आपके टीम में काम हो ना हो, बिजनेस हो ना हो, 1000 रुपया फिर आपको मिलेगी। आप अगले दिन ससुराल चले गए, एंजॉय कर रहे हैं आप, लेकिन आपको 1000 रुपया आएगा। ये खूबसूरती है प्लान का, अगले 100 दिन तक पैसा आपको आएगा, लेकिन अभी मेहनत करना है। तो एक टारगेट आप सब लोग लीजिए अपने अपने टीम के अंदर, और फिर एक मिशन पे लगिए, 5 को डायरेक्ट लगाना है, सबसे लगवाना है। एंड ICC 2 1 एंड 2 के अपग्रेड अभी तक GST फ्री है, 4 बजे के बाद GST 18% एड होने के बाद लगेगी। और ICC 2 के अंदर, ICC 2 के अंदर आप किनको भी एड कर सकते हैं GST के बाद, GST एड हो जाएगी 4 बजे के बाद। एंड अब हम लोग जो लीडर बोर्ड है, जो ऑफर्स है, इनके बारे में सुनेंगे। और ICC 1 2 अपग्रेड में हम लोग एक रिवार्ड को भी ऐड कर रहे हैं। आप जिसको भी आप अपग्रेड करवाएंगे तो वहां से आपको एक एज ए रिवार्ड इनकम भी एक मिलेगी, उनकी एंट्री हो जाएगी ICC 1 2 के अंदर, आपको एक रिवार्ड इनकम मिलेगी। और इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हमारे बीच जो टॉप 10 लीडर बोर्ड जो फंड ले रहे थे, लीडर बोर्ड अचीवर्स, उनसे आज हम सब लोग मिलते हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा जो लीडर बोर्ड ऑफर को प्रेजेंट करेंगे। आप सब